इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम ने इनको कबूल कर लिया। Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, जिसका टाइटल है मोस्ट फेमस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। सो दिस इज अ वीडियो बाय हैदर टीवी। डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल। ये तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मजहब है। वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके मजहबी इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। वेल, इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इवन ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मजाहिब को स्टडी किया जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर ऐलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया भी था। इंटरव्यू में बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit. जेनिफर ग्राउ। दोस्तों, जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जबान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है। अब ये गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती हैं और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में कमाल है। डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फैबुलस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी असला रखने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनके करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने फारग वक्त में इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड की और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से ये मुसलमान हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं।
जॉन फाउंटेन। दोस्तों जॉन फाउंटेन एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन और इनकी फैमिली का ताल्लुक कैथोलिक मजहब से था। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। ये अक्सर चर्च में जाकर म्यूजिक बजाते थे और सिंगिंग करते थे। लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो इन्होंने इस काम को ऐसे प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये एक बहुत ही कामयाब सिंगर थे लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है कि जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में हमेशा एक बात आती थी कि जिसे वो इनकी फैमिली खुदा मानते हैं वो असल में खुदा नहीं है। इनका हमेशा दिल इस बात की गवाही देता था कि खुदा कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसी हस्ती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जॉन जब बचपन में टीवी वगैरह पर इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म होते देखते थे तो इनका दिल चाहता था कि वो इनके पास जाकर इनकी मदद करें। इन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। इन्हें मुसलमानों से हमदर्दी इसलिए भी ज्यादा थी कि खुदा के मुतल्लिक जो सोच जॉन रखते थे वही सेम अकीदा मुसलमानों का भी था। लेकिन जब जॉन प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम के मुतल्लिक रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्होंने ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस को देखा जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये सब देखने के बाद इन्होंने भी इस मुकद्दस मजहब को अपनाने का फैसला कर लिया। 2008 में जब जॉन 23 साल के थे तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिंगिंग को भी छोड़ दिया और मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इनका यूट्यूब पर यंग स्मर्क्स नाम का एक चैनल भी है जहाँ ये लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। जूलियान ड्रोलन। दोस्तों ये शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम जूलियान है और ये एक म्यूजिशियन और सिंगर है। इनकी उम्र 40 साल है और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन थे और जब जूलियान छोटे थे तो इनका दिल चाहता था कि ये एक पादरी बने और लोगों को ईसाइयत की तरगीब दें। लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे, सो इन्होंने छोटी उम्र में ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी। जूलियान का कहना है कि जब ये मैच्योर हुए तो इनके दिमाग में अपने रिलीजन को लेकर कई डाउट्स पैदा हो गए थे। इन्हें लगता था कि इनकी मजहब में कुछ न कुछ कमी है और ये अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार रहे। इवन कि इन्होंने अपने डाउट्स को दूर करने और सही मजहब ढूंढने के लिए बहुत से रिलीजन्स की स्टडी की थी लेकिन इन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन जूलियान स्पेन में किसी कंसर्ट के लिए गए थे। वेल कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद इनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया और इन्होंने फैसला किया कि अब ये खुदा को तलाश करके ही रहेंगे। ये स्पेन के बॉर्डर पर चले गए और वहां से इन्होंने मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये 30 दिन तक पैदल सफर करते रहे और इन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इन्हें कामल मजहब ढूंढने में मदद कर सकता। आखिरकार ये एक मीटिंग के सिलसिले में अबू धाबी गए और जिस टैक्सी में ये बैठे थे उसका ड्राइवर एक मुसलमान था। इन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो उसने मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया। जूलियान इस मस्जिद में चले गए और वहाँ पर अजान हो रही थी। अजान के अल्फाज सुनकर इन पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनका कहना था कि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला था जो अजान सुनकर मिला था। इनका दिल गवाही देने पर मजबूर हो गया कि यही वो सच्चा मजहब है जिसकी इन्हें तलाश थी। आखिरकार इन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस्लाम के दामन में हैं। मोता नेपोलियन। दोस्तों नेपोलियन एक बहुत ही मशहूर हिप हॉप सिंगर थे लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। मोता के पेरेंट्स पहले क्रिश्चियंस थे लेकिन इनकी पैदाइश से पहले वो मुसलमान हो गए थे। लेकिन जब मोता 3 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स को अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कत्ल कर दिया था। वो अपने पेरेंट्स के कत्ल होने की वजह तो नहीं जानते थे लेकिन इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे ये बड़े हुए इनकी नफरत मजीद बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉस एंजलस में एक हिप हॉप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन ये अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनके भाई से इनकी लड़ाई हो गई। इनके स्टूडियो में एक मुसलमान शख्स काम करता था, उसने इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई और मुता को अपने साथ मस्जिद आने की दावत दी। मुता ने पहले तो मना कर दिया लेकिन जब इस शख्स ने इसरार किया तो इन्होंने मस्जिद जाने की हामी भर ली। मुता का कहना था कि वो इस्लाम को इतना नापसंद करते थे कि इन्होंने अपनी
जेब में एक लोडेड गन भी रख ली थी और अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वो मस्जिद में गए तो इन्हें वहाँ एक और ही दुनिया नजर आई। इनका कहना था कि मस्जिद में तमाम अरबी, अजमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी और इंडियन एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और एक दूसरे को भाई भाई कर बुला रहे थे। मुता ये सब देख कर शौक हो गए और इन्होंने इस्लाम को डिटेल से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में ये इस्लाम की तालीमात से इतने मुतासर हो गए कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इनका कहना था कि इन्हें मक्का मुकरमा जाकर बहुत ही सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने सिंगिंग भी छोड़ दी और अपनी फैमिली को लेकर परमानेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अब मिता एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका नाम शहबाज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम ने इनको कबूल कर लिया। व्हाट आई फील इज कि आपको जिस रिलीजन में, जिस फेथ में सबसे ज़्यादा एट पीस लगता है, आपको उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एंड बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फेमस लोग थे, यू नो, वेस्ट के लोग थे, सो मेनी अमेरिकन, सो मेनी पीपल फ्रॉम यूरोप। एंड इन्होंने कैसे एक यू नो ओरिएंटल रिलीजन को फॉलो किया, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है टू द होल वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली आज़ान की आवाज़ बहुत सोलफुल होती है ना, आपको बहुत पीस देती है वो आवाज़। एंड इतने सारे पावरफुल लोगों की इतनी स्टोरी सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अमेजिंग वीडियो थी। एंड डेफिनेटली इस्लाम हैज़ स्प्रेड इट्स विंग्स एंड हर जगह पूरा स्प्रेड हुआ हुआ है, एंड इट इज़ सो गुड टू नो दैट। सो गाइस, दिस इज माई रिएक्शन। आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड, दिस वीडियो को लाइक कर दो, लीव डाउन योर लवली कॉमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। सो गाइज, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। वी लव यू गाइज़।